आपका मैसेज आया था, क्यों बुलाया बाबा? हाँ, मैंने बुलाया था। तुमने हद से ज्यादा बकवास की आज। और वो जो कुछ आप कर रहे हैं उसका क्या करें हम? तो क्या अब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चलूंगा मैं? आखिर वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मैं वहां जाकर देखता हूँ। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर रहो। बाबा, आपका नाम फिकरत कराकिया और कराकिया फैमिली के मर्द कभी भी उस औरत से प्यार नहीं करते जो पहले से किसी को चाहती हो। कभी नहीं जाते उसके पास। जब तुम सिरमा के पास गए थे तो मैंने कुछ कहा था तुमको? आपने तो उस वक्त भी कुछ नहीं कहा जब मेरी माँ सुरंग में दम तोड़ रही थी। मैं तुमसे पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मेरा कोई भी इरादा नहीं था मारने का उसे। तो आप क्या मजाक कर रहे थे मेरी माँ से, या ये सब आपको मजाक दिख रहा है? सुन लें, या तो आप जोरा को मारेंगे या फिर मैं आपको मार दूंगा। और कुछ कहना है? हाँ, कहो ना कुछ। क्यों खामोश हो? मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा। ठीक है, जैसा करना है तुम्हें वो करो। बहुत पछतावा होगा आपको। मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं पछताया। बाबा, जोहरा मुझसे 15 साल छोटी है और आपने जो उसके साथ रिश्ता बनाया है उस रिश्ते से वो मेरी माँ होती है। तो आप खुद बताएं मुझे, मैं उसे अम्मी कहूं? जवाब है आपके पास मेरी बात का? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और आपकी तो उम्र है, अगर आपको कुछ हो गया तो जरा सोचिए, आपके बाद भी मुझे उसको मां ही समझना होगा, और फिर दुनिया हंसेगी मुझ पर। बाबा सोचिए, सोचिए जरा। बहुत सोचा मैंने, लेकिन किसी भी तरह मुझसे ये रिश्ता हजम नहीं हो रहा। बाबा, अपने से 15 साल छोटी लड़की को मैं मां कहूं, इससे बेहतर है आप गोली मार दें मुझे। ठीक है ना? आप अपनी जिंदगी उसके साथ मौज में गुजारें, अपनी उम्र का ख्याल किए बगैर, अपने बेटे पोते और बहू का ख्याल किए बगैर, और आप ये चाहते हैं कि हम सुकून से रहें। तो बाबा सुन लें, हमारा पुरसुकून होना नामुमकिन है। नए जूते की तरह काटता रहूंगा। फिकरत साहब, पुलिस आई है कुछ बात करने। यूनिफॉर्म में आए हैं वो लोग क्या? जी, वर्दी में, स्टेशन से आए हैं। वो गन उठाओ वहां से। जी कहिए ऑफिसर, कैसे आना हुआ? सब ठीक है क्या? फिकरत करा के आप हैं? मैं हूँ।
जोरा करा के आपकी बीवी है ना? जी हाँ। आपके खिलाफ कंप्लेन है। बताएं कैसी कंप्लेन? कि आपकी बीवी की जान खतरे में है यहाँ पर। जान खतरे में है? यहाँ क्या खतरा हो सकता है उसे? मेरी बीवी है, वो मेरे साथ रहती है। लेकिन हमें तफ्तीश करनी है। आपकी बीवी घर में है? हाँ, तो क्या बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, भेजो जोरा को। जी फिक्रत साहब। फिक्रत साहब, जोरा साहब अंदर नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? वो नहीं है। जाओ जाके अंदर देखो, वो वहीं होगी, और कहाँ जाएगी। ठीक है। कहाँ गई होगी वो? जाहिर है वहीं गई होगी, जहां इससे पहले गई हुई थी। कोई नई बात तो नहीं? सर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठीक है, चलते हैं। क्या मिलेगा ये करके? कुछ नहीं। सब्र करो, मायूस होने से वैसे भी कोई फायदा नहीं। तो बताओ फिर क्या करूं? हाँ, वाह वाह वाह, मैं भी कहूँ किसने कंप्लेन की है। हाँ बताओ, किसने इतनी हिम्मत की? कहाँ है जोरा? नहीं पता, वो घर पर भी नहीं थी, इसलिए हम फिक्रत साहब को यहाँ पर लेकर आ गए ताकि इनसे तफसील से बात हो सके। आप मुझे इस लड़के के कहने पर यहाँ लेकर आए हैं ऑफिसर? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस तरह तो कोई भी अपनी झूठी कंप्लेन लिखवा कर ड्रामे करेगा। जोरा कहाँ है? क्या तुम लोगों ने कुछ कर दिया उसके साथ? हा? मेरे सामने बकवास करने के ये क्या है? रुक जा। जोरा, क्या जोरा कराके आप हैं? जी हाँ। फिकरत कराके की बीवी है ना? बिल्कुल। कंप्लेन ये है कि आपकी जिंदगी को खतरा है, क्या ये सच है जोरा साहिबा? इसमें कोई हकीकत नहीं। मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। और शौहर के साथ रहूंगी अब। चलिए। तो अब सुन लिया आपने? चलिए। चलो सईद।
सईद, भूलना नहीं इस लम्हे को, आखिरी बार देख रहे हो तुम जोरा को। चलो आ जाओ सईद। चलो हमें लगा भाग गए जब घर पे नहीं मिली तुम। पता नहीं क्यों मुझे ये ख्याल नहीं आया जबकि गार्डन में अकेली थी मैं। तो क्यों नहीं भागी? इंसान खुद से कहां तक भाग सकता है। भागते भागते थक गई हूं मैं, बहुत थक गई हूं। उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है सोहरा, तुम इस सब की तो हकदार नहीं थी जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया। बीवी हूं मैं उसकी, लेकिन वो जबरदस्ती की शादी थी। वो बस लकीर खींचते चले जाए मेरे सामने और मैं चलती रहूं उस पर, ये कभी नहीं हो सकता। दूर कहीं जाकर खो जाना चाहती हूं मैं। फिर किसी को भी नहीं मिलूंगी। जैसे ये सितारे नजर आ रहे हैं ना, लेकिन बहुत से बहुत दूर है। लेकिन उस सितारे को बताओ क्या जिसकी रोशनी जमीन पर पड़ती है और वो जितना भी चाहे दूर हो जाए उसकी रोशनी कम नहीं होती। उसकी रोशनी तो आती रहती है ना सोहरा। जानती हो ये जमीन बहुत ही जालिम है, ये कभी भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें कैद कर लेगी, नहीं जाने देगी। खुशामदीद पापा जान। बहुत शुक्रिया बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। जोहरा कहाँ है? वो तो कल रात से आई ही नहीं। क्या वाकई? वो तो सईद के साथ बाहर गई थी ना? जी हाँ, मैंने सईद को कॉल की थी, वो उसी के साथ थी। उसने कहा कि थोड़ी देर में आ जाएगी लेकिन आई नहीं। हैरत है, आखिर क्या हुआ है? ऑब्वियस है कि वो सईद के साथ रहना चाहती है इसलिए नहीं आई है यहाँ। नहीं मेरी जान, वो ऐसा नहीं कर सकती, इसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो बताना तो चाहिए था ना उसे। तुम सईद को कॉल करो, जरा पूछो उससे। वाकई कॉल करूं उसे? और क्या। जी हेलो, बोलिए। मुझे जोहरा का पूछना था, तुमने कहा था रात को आ जाएगी लेकिन वो नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि काम पर वापस आएगी वो। लेकिन क्यों? देखो मैं कोई बात नहीं करना चाहता इस बारे में, हो सकता है वो आपको खुद कॉल कर ले, समझ के?
क्या वो तुम्हारे साथ है? शायद मेरे पास कभी भी ना आए हो। अच्छा ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ, तुम ज्यादा बेहतर जानते हो उसके बारे में। बात सुनो, आज तुम काम पे तो आओगे ना यहाँ? आज तो नहीं, लेकिन मैं कल बताता हूँ। सतलज का क्या करना है? उसे मैं कर ले जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है? जोरा शायद वापस नहीं आएगी। क्या मतलब? सईद को भी नहीं मालूम। उफ खुदाया, इस लड़की का कुछ चक्कर है। वो हमसे जरूर कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या? इतना भरोसा नहीं करना चाहिए बाबा, वो एक अनजान सी लड़की है। आप उसे घर ले आए, उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता था। बेटा तुम भी तो इससे मुख्तलिफ नहीं, तुमने भी तो सईद को काम दिया बिना जान पहचान के। हाँ बात तो सही है आपकी, आप ही की बेटी हूँ। कुरियर आया है, तुमने कुछ मंगवाया था क्या? नहीं तो। ये जोहरा मैडम के लिए आया सर। क्या है ये बाबा? जोहरा का आईडी कार्ड है, उससे खो गया था ना? करा किया? क्या कोई प्रॉब्लम है बाबा? प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन जरूरी है कि जोहरा को मिल जाइए। चलो मैं अभी चलता हूँ, रात में मिलते हैं हम, ठीक है? See you later, बाबा। सईद, मैं शर्मिंदा हूं बेटा, बहुत। क्या हुआ? पुलिस ने क्या कहा? जोहरा ने कहा कि वो अपनी मर्जी से वहां गई है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो फिर इसलिए हम लोग वापस आ गए। मैं रात में देर से आऊंगा। ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है? सब ठीक तो है? कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। आप दोनों अंदर से चलिए। सिरमा साहिबा, अब क्या होगा बताइए आप? समझ नहीं आ रहा बयास, समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि जोहरा साहिबा वापस चली जाएंगी? क्या फिकरत साहब उन दोनों को मार देंगे? चुप रहो, वो लोग आ गए। चेहरे पे घमंड तो ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मारा है तुमने। क्या हुआ है, कुछ तो बताओ ना। अपना काम करो जाकर। बता दो ना। क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, जब होगा तो घर में दिखाई देगा। क्लब चल रहे हो ली मेरे साथ क्या? अभी मेरा मूड नहीं, आप चले जाएं, मैं बाद में आता हूं। ठीक है, जब चाहो आ जाना।
अली चलो मेरे साथ। क्या हुआ अम्मी? अली जोहरा तुम लोगों के निकलते ही जब्बार के साथ पुलिस स्टेशन गई थी, क्या हुआ? कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? कुछ नहीं अम्मी, वो वहीं गई थी। कुछ मसला जरूर हुआ था, लेकिन जोहरा ने बयान दिया कि उसे कोई कंप्लेंट नहीं, हस्बैंड के साथ ही रहेगी अपनी मर्जी से, तो मसला हल हो गया। जोहरा ने वाकई बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है। शायद कि फिक्रत साहब का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाए। देखते हैं क्या होता है, आप ज्यादा मत सोचें। जाकिर साहब। हाँ बोलो शरीफा। मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। सुनो मेरी बात। शायद याद नहीं तुम्हें कि मैंने तुम्हारे लिए सब में क्या क्या किया है। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? मैंने भी तुम्हारा उम्मीद से बढ़कर ख्याल रखा है। हाँ, औकात तुम्हारी सड़क पे फेंकने वाली थी मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझसे इस तरह से बात करने की आज तक किसी की जरूरत नहीं है। पागल औरत। तुम्हें एक तो पूछूंगी मैं, जल्दी से मुझे 2 मिनट देना। तुम खुद ही देख लो ना, मेरी हालत नजर नहीं आ रही तुम्हें। अब इस हाल में उन लोगों के पीछे भागूं? हाँ हाँ पता है, तो वाह कितनी बुरी तरीके से पीट के गए हैं। अगर मैं तुम्हें ऐसे मारूं तब जाकर तुम्हें अंदाजा होगा, आई समझ। हाय डराओ नहीं इस तरह इब्राहिम, धम घुटता है मेरा, यहाँ पर हवा तक नहीं आती। हालात के ठीक होने तक। हाँ यानी इसी को अपना घर बना लेते हैं, यही पहरों में एक छोटा सा बागीचा भी बना लेंगे। टमाटर प्याज तो यही भी उग जाएंगे, क्यों ना मुर्गी अंडे भी रख ले, अच्छी गुजरेगी इब्राहिम। ऑर्गेनिक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे, क्या बात है, पागल कहीं का। लो खाओ ऐश करो, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि होटल में जाके रह लूं यार। अगर इतने पैसे होते भी तो क्या तुम इतने सामान के साथ अकेले रह लेती क्या? हाँ रह लेती मैं, क्योंकि तुम सारे सामान के साथ यहीं पे रहते, एक बंदे का किराया लगता। बड़ा सोचा तुमने भी। शरीफा सुन रही हूँ। अल्लाह देखेगा तुम्हें। हाँ तुम्हें भी। खा लो ना। आजकल डाइट पे हूँ मैं। तुम भी खाओ। जी आप, भूख नहीं है मुझे। बाद में खा लीजिएगा, सिरमा साहिबा ने भिजवाया है। बयास जी कहें? उनको पता तो नहीं चला कि मैं घर से कैसे गई थी बाहर। सुरंग से गई थी ना आप? उन्हें पता चल गया।
ठीक है तो, और ये पता चला कि वहां से बाहर कैसे गई थी मैं? जी पता है, सिरमा साहिबा ने मदद की थी, इसलिए उन्होंने आपकी वजह से सिरमा साहिबा को बहुत मारा, मरते मरते बच गई। उन्होंने सिरमा साहिबा को सुरंग में बंद कर दिया था ताकि वो वहां मर जाए। चलो बेटा। ऐसा कभी नहीं कर सकती ज़ोहरा, मुझे पता है। कोई ना कोई गड़बड़ तो इसमें जरूर है। मैं पता लगाऊंगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हारी बात उससे फोन पर करवा सकता हूं। कैसे? मैं जानता हूं वहां पे किसी को। किसको? जाकिर की बीवी को, सिरमा। कैसे जानते हो तुम उसको? सिरमा मेरे ही शहर की है, अक्सराय की। दरअसल मेरे और उसके बाबा एक साथ ही काम किया करते थे। मेरा भाई, मैं और सिरमा, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। यानी तुम्हारे जिस भाई का इंतकाल हो गया है वो? हाँ जमाल, मेरा भाई और सिरमा एक दूसरे से प्यार करते थे जैसे तुम और ज़ोहरा करते हो। लेकिन उसकी फैमिली शादी पर अजमन नहीं हुई, जाकिर से शादी कर दी उसकी। क्या तुम्हारे भाई के कत्ल का ताल्लुक भी इन लोगों से तो नहीं है, बताओ मुझे? मुझे भी यही लगता है। खत है यार। तो इसलिए तुम तब से हमारी मदद कर रहे हो? नहीं, दरअसल ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद आखिर क्यों मारा गया तुम्हारा भाई? ये बात तो सिर्फ सिरमा ही बता सकती है। अब आपकी बातचीत होती है उससे? होती तो है, लेकिन वो डरती है, बात ही नहीं करती खुलकर। वो कहीं आपको ना मार दे इसलिए डरती होगी। पता नहीं, लेकिन तुम उस पर भरोसा कर सकते हो इसलिए कह रहा हूं तुम्हें। एक बार मुझे ज़ोहरा ने बताया था, उसने ही भगाने में मदद की थी उसकी। वो कैसे? उनके घर के निचले हिस्से में कोई सुरंग है, वहां से भागी थी, उसी औरत ने मदद की थी। देखो मैं सिरमा को कॉल करता हूँ, कम अज कम ये तो बता देगी कि ज़ोहरा उन लोगों के साथ उस घर में ठीक भी है या नहीं। ठीक है। हेलो आदिल। हेलो सरमा, अकेली हो? हाँ बोलो। कैसी हो? ठीक हूँ मैं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है उस स्वेटर के हवाले से। ठीक है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी कुछ और जरूरी बात करनी है। क्या बात है आखिर? ज़ोहरा वहीं पर है ना? हाँ है। तो वैसे आदिल तुम कैसे जानते हो ज़ोहरा को? बाद में बताऊंगा सिरमा, अभी बहुत जरूरी काम है। मैं सईद और उसकी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए वो सब ज़ोहरा के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम किसी तरह फोन पर बात करवा सकती हो उससे? कोशिश करती हूँ, वादा नहीं। शुक्रिया सरमा। अच्छा बाकी बातें मैं तुमसे बाद में करूंगा, ठीक है? चलो ठीक है। ठीक है। क्या करी? इंतजार करो।
शहर। जोरा अब से यहीं रहेगी बयाज, उसी हिसाब से अब इंतजामात करो। ये बताइए मुझे क्या क्या तैयारी करनी होगी। जो दुल्हन की होती है। मैं फिक्रत कराकिया की बीवी हूँ, अब दोबारा कॉल नहीं करना यहाँ। वो सारा वक्त जो हमने साथ गुजारा किया वो सब कुछ झूठ था। बिल्कुल। तो फिर मेरे लिए तुम्हारा प्यार भी झूठा था। मुझे ये जबरदस्ती की शादी निभानी होगी।